हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। यार, एक तो ये मैं बाबर आजम के ऊपर जो तनकीद करते हैं उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है। इंग्लिश ठीक नहीं है यार, बस कर जाओ। आपने बाबर आजम की अंग्रेजी देखनी है या फिर उसके क्या कहते हैं बैटिंग स्किल देखना है? बाबर आजम की इंग्लिश या बैटिंग? बाबर आजम की बैटिंग स्किल किस लिए वो मशहूर है? इंग्लिश के लिए मशहूर है या बैटिंग के लिए? ऑफ कोर्स बैटिंग के लिए मशहूर है, राइट? यकीन करें, पूरी दुनिया में एक गोरा भी परवाह नहीं करता कि बाबर आजम की इंग्लिश खराब है, क्योंकि उनको उसके स्किल से ताल्लुक है। वो उसकी स्किल की तारीफ करते हैं, उसकी इंग्लिश की नहीं। और पहले उसकी स्किल है, फिर उसका इंग्लिश आना कोई बुरी बात नहीं है, आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश सब कुछ नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सब कुछ नहीं है, यकीन करें। रोनाल्डो, मेसी, इतनी गंदी इंग्लिश है ना उनकी, लेकिन वो अपनी जुबान में बोलते हैं आपके इंटरव्यू, और बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उन लोगों के। यार प्लीज, फॉर गॉड सेक, निकलो इस एहसास से, कमतरीन इस कॉम्प्लेक्स इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स के से अंदर से निकलो बाहर। ट्रस्ट मी, बाबर आजम की इंग्लिश। अभी इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि रिसेंटली एबी डिविलियर्स का एक प्रोग्राम है, एबी डिविलियर्स 360। उसके पॉडकास्ट में बाबर आजम ने कोई इंग्लिश में बात बात की, तो किसी फैन तो नहीं कह सकते, कोई है, कोई चवल कहीं बैठा होगा, मुझे नहीं पता कौन है। उसने इंग्लिश में, अच्छा, जिस इंग्लिश में लिखा है ना, वो भी इतनी पथेटिक किस्म की इंग्लिश है ना, क्या आपकी सोच है? जाके कोई यूट्यूब पे देखना, उसने जो इंग्लिश की मजाक उड़ाया है, उसकी अपनी अंग्रेजी इतनी गंदी है कि सोच है। वह तंग आ गए यार। गाइस, इस चीजों से निकलो बाहर, इससे बाहर इंसानियत, दुनिया बहुत बड़ी चीज है। शोएब अख्तर ने भी एक दफा पहले कहा था कि जी, बाबर आजम ब्रांड नहीं है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं बोलना नहीं आता। व्हाट द हेल इज दिस? बस कर जाओ, वो है एक ब्रांड। अंग्रेजी आए ना आए, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। वो जिस तरह से बैटिंग करता है, और उसको उसके हाल पे छोड़ दे दो, इससे अच्छा पूरी टीम आ जाए, आउट हो जाए। वो अपने क्या कहते हैं उसके रन रेट के, लोगों के इन चवलों की डिमांड के ऊपर अपना रन रेट बढ़ाने के चक्कर में अपनी विकेट उड़ा दे और बाकी पूरी टीम आउट हो जाए। हर मैच में बाबर आजम के रन माइनस करो तो 150 भी नहीं बनते, बल्कि क्या 100 भी नहीं बनते। सो एनीवे, एक छोटा सा था मैसेज, प्लीज इस अपनी जुबान पे फख्र करें। और बेशक बाबर, डोंट वरी, वर्ल्ड कप में जाओ इन लोगों की फिक्र किए बगैर। ये एक टैक्टिक होते हैं वर्ल्ड कप से पहले प्लेयर को डिस्टर्ब करना। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और ऑल द बेस्ट कल की गेम के लिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।